हमेशा से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक सम्मेलन में पहुंची। यहां उन्होंने कई मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत करी। बसपा प्रमुख मायावती को बीजेपी का बी पार्ट कहने पर उन्होंने हमलावर होते हुए कहा कि मायावती से पिछड़ों ने जो उम्मीद की थी उसे वो पूरा नहीं कर पाई, इसलिए अब दलित समाज भाजपा के साथ खड़ा हो रहा है। देखिए, जो दलित समाज जो बहन जी से पिछले कम से कम 25-30 वर्ष से तो जुड़ा ही था और लगातार एक उम्मीद की आस लगा के बैठा था कि बहन जी आज नहीं तो कल हमारे लिए कुछ करेंगी। भाई, भूखा आदमी कब तक भूखा बैठा रहेगा? उसे भी तो रोटी चाहिए खाने को। उनके बच्चे भी तो पढ़े लिखे हैं, उनके बच्चों को अच्छा रोजगार मिले, काम मिले, नौकरियों में जगह मिले। वो सारे काम भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और हम उनको सम्मान दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। तो वहीं जब उनसे TET पेपर लीक और शिक्षकों पर लाठी चार्ज के बारे में पूछा गया तो वो अनजान बनते हुए बोली कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मेरी जानकारी में नहीं है ये, और अगर वो पेपर लीक हुआ है तो कार्रवाई जी योगी जी ने उसी दिन करवानी शुरू कर दी, और जो दोषी होगा उसको वो सजा मिलेगी। वो मेरी जानकारी में नहीं है, और जो चीज मेरी जानकारी में नहीं होगी मैं उस पर जवाब नहीं दूंगी। जब उनसे अखिलेश यादव के उस बयान के बारे में सवाल किया गया जिसमें उन्होंने भाजपा को जुमले की सरकार कहा था, तो उन्होंने इसे नकारते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सारे वादे पूरे किए हैं, उनका काम है बोलना तो वो बोलेंगे ही। सब पूरे किए हमने, और आप चाहें तो ये बहनें यहाँ बैठी हैं उनसे पूछ सकते हो। मोदी जी ने जो कहा सबका साथ सबका विकास, वो हो रहा है, और ये प्रूफ है मेरे पास भी, और आप इनसे पूछ लो। मैं ये नहीं कहती केवल दलितों के लिए किया, मुस्लिम बहनें भी TV के माध्यम से कहती हैं कि हाँ हमें भी गैस सिलेंडर और चूल्हा मिला है, शौचालय बने हैं, ये आप भी जानते हैं। तो वो तो कार्य कर रहे हैं, वो जुमलेबाजी का ये उनका कहना है, कहते रहे। जब उनसे उनकी ही पार्टी के सांसद वरुण गांधी के MSP लागू करने वाले बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उनके बयान से सहमत ना होकर धरना दे रहे किसानों पर निशाना साधा और उन किसानों को राजनीति करने वाले व उन्हें दलाल घोषित कर दी। देखिए, ये उनकी सोच है, तो हमारे सांसद ही भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने तीनों वो कानून थे वापस ले लिए, और उसमें एक कमेटी गठित कर दी है, और उस पर सदन में चर्चा होगी, जो बात निकल के आएगी तो आप किसान क्यों नहीं वापस जा रहे? अब नहीं जा रहे, उनको क्या करोगे? राजनीति भी तो होती है, जो किसान है वो कोई नहीं है वहाँ, वहाँ केवल जो राजनीति करने वाले लोग थे या दलाली करने वाले लोग थे वही दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा सरकार का कोई भी मंत्री अभी तक किसानों का भरोसा पूरी तरीके से नहीं जीत पाया है, और हाल ही में हुई शिक्षकों पर लाठी चार्ज पर बोलने को तैयार नहीं है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के लिए यही सब मुद्दे परेशानी न खड़ी कर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, GMD खबर।